नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर। मैं अंडरलाइन करांगा नाम नाल, रोल ऑफ टीचर। मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एकदम इमेज अपने सामने ले आनी चाहिए है। एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी होंगी है, कर्व दे विच डिफरेंसेस सामने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आईक्यू बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड डिफरेंसेस, के बच्चे जड़े लो आईक्यू दे भी है क्लासरूम विच, एवरेज दे भी हन, ठीक है, और हाई आईक्यू दे भी हन। इस तो इलावा कुछ इंपेयरमेंट्स होंदिया हन, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग डिसेबिलिटीज है, कुछ बच्चे नॉर्मल होंगे हैं, कुछ डिसेबिलिटी होंगी है, कुछ नहीं, कुछ लैंग्वेज रिलेटेड डिसेबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल स्पीच डिसेबिलिटी हो सकती है, रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलिया हो सकता है, तारे जमीन पर फिल्म है उसनों याद रखना है। जो भी डिफरेंसेस की गल आती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या दिव्यांग, ठीक है, ये याद रखने हैं। दिव्यांग नवा नाम जो गवर्नमेंट ने दिता है, इंडियन गवर्नमेंट ने। सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इन्हां बारे इन्हां बिल्कुल नॉर्मल क्लास विच शामिल करने लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी किया है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उन्होंने असिस्टिव डिवाइस जिन्नी सपोर्ट दी जा सकती है नॉर्मल स्कूल दी जाएगी, जिसनों इनकलूसिव स्कूल कहा जाएगा। लेकिन इनकलूसिव स्कूल बनाने इन्ने सौखे नहीं हैं, क्योंकि इनकलूसिव टोटल स्कूल उदो बनता है जो ये बच्चे बिल्कुल उस ग्रुप नू अपना पार्ट समझते हैं। मतलब नॉन नॉर्मल ये एवरेज ग्रुप बच्चे हैं, ठीक है, ए वाले एक्सट्रीम वाले इन्हां विच शामिल हो जाने, ये इनकलूसिव है, ठीक। सिर्फ फिजिकली शामिल नहीं होना, वो फीलिंग तो जो फील करते हैं अफेक्टिव डोमेन ते फील करते हैं, हाँ वी आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, वी आर द पार्ट ऑफ क्लास, वी आर द पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, वी आर द पार्ट ऑफ व्हाटएवर फंक्शन इज को करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक। सो रोल ऑफ टीचर की है, फर्स्ट कि ये करना चाहिए है, ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एप्टीट्यूड। ये हमेशा देखो बीएड विच पहला पेपर केड़ा पढ़ाया जाता सारे इंडिया दे विच, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, सॉरी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग एनवायरमेंट। सो ये मेजर पार्ट ने लर्निंग दे। सो पहला लर्नर नू अंडरस्टैंड करना, लर्नर नू अंडरस्टैंड किवें करना है कि मेरे जे क्लास विच भी बच्चे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम च भी बच्चे नहीं मिलते, बहुत कोई स्कूल होएगा जिथे लिमिटेड इन्ने बच्चे रखे जाते हैं, उस दियां एबिलिटीज की हैं, ठीक। बेस्ट तरीका है इनू जानण दा मल्टीपल इंटेलीजेंस दा, जिहड़ा इंडिया च हजे अपलाई नहीं हुंदा, ठीक। इंटरस्ट किहदा की है, इंटरस्ट बेसिक फोर्स है, एनर्जी है जिहदे नाल अंगेज किया जा सकता है। अंगेज शब्द टेट विच किते वरत्या जाएगा, देख लेना इस बार वरत्या जाएगा। इंटरस्ट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हुंदा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मीन फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फील्ड्स है, फील्ड्स ऑफ कैरियर है, फील्ड्स नंबर एक टीचिंग, क्लरिकल, इंजीनियरिंग, ओके, कोई और प्रोफेशन ले लो आप। एक बच्चा है जेड़ा टीचिंग ले उस दियां एबिलिटीज हन, लेकिन क्लरिकल ले इंजीनियरिंग ले नहीं हन, ठीक, फोटोग्राफी ली नहीं है। मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, ठीक है, मेडिकल एप्टीट्यूड भी हो सकता है। पहला तुसी ही फिक्स कर देंदे हो, एनवायरमेंट ही फिक्स कर देंदा है। पहला टेस्टिंग तो जानिया तो है ही नहीं बच्चे नू के उदा एप्टीट्यूड की है। फरहान का एप्टीट्यूड फोटोग्राफी सीगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलीजेंस उदे विच ज्यादा सी, लेकिन उसनू इंजीनियरिंग विच पा दिता गया, ठीक, ये गलत हो गया। एप्टीट्यूड है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एबिलिटी इन स्पेसिफिक विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस इन ए स्पेसिफिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग लिए कुछ एक एबिलिटीज चाहिए हैं, जो एबिलिटीज क्लरिकल लिए, इंजीनियरिंग लिए, मेडिकल लिए नहीं चाहिए हैं। इसका मतलब है टीचिंग विच एंटर करवाने लिए बच्चों का एक टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए, यह तैयारी का दी चल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड है एक तरह का, है एंट्रेंस विच तो इन्ना वधिया नहीं लिया जाता। सो जिहड़ा उस ते ज्यादा स्कोर करेगा, इट मीनस इहदी प्रोबेबिलिटी अच्छा टीचर बनन दी होएगी, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट दी हमेशा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मेजर कीती जांदी है। अच्छा,
जो इंजीनियरिंग का जॉब है तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा, मेडिकल का मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सो बच्चे दे एप्टीट्यूड के वो इस एप्टीट्यूड नो कई क्रिटिसिज्म करने वाले मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया जो आठ इंटेलिजेंस हैं उसनों भी एप्टीट्यूड कह रहे हैं, कई उसनों लर्निंग स्टाइल्स कह रहे हैं। ठीक, सो उन्हां नाल तुसी जान सकते हो कि बच्चा किहदे विच अगे है, किहड़ा बच्चा किहड़े विच थोड़ा लो है। ठीक, हुण इह जानना तां हर हालत जरूरी है, इह तां पेपर लाया होया है, इह तां राइट आंसर दा पहला स्टैप हो गया। दूसरा, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। हुण दूजी गल, एक बच्चा है जो जिसनूं राइटिंग दी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मान के चल जाने हाँ, ईशान ले लो, ईशान दी एग्जांपल ले लो आप, ईशान नु की है रीडिंग दी प्रॉब्लम है। ठीक है, उन रीडिंग दी प्रॉब्लम है कि मैं अपना करिकुलम ओदी नीड मुताबिक एडजस्ट करना, किदा एडजस्ट करांगा मैं ईशान दा एग्जाम रीडिंग ते राइटिंग जिहड़ा साडा पेपर पेंसिल टेस्ट है वो नहीं दूंगा, मैं ओरल टेस्ट रख लिया उसका। बेटा तू बोल के दस दे, जदों फिल्म आंदी है वो कहते बेटा बल्ब ऑन करना, बल्ब की इजाद किसने की थी, तो वह मेमरी चो एकदम इनफॉर्मेशन लिया के उदे अगे रख दिंदा है, अपने टीचर साहबान दे अगे रख दिंदा है कि एडिसन थॉमसन एडिसन, एकदम जवाब आता है, जवाब इतों बिल्कुल आ जाता है। जो लिखना रीड करना पैंता है या राइट करना पैंता है उदो प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसनू रीडिंग ते राइटिंग दी प्रॉब्लम नू समझ के उसनू रीडिंग ते राइटिंग वाला काम घट दे दो ना, उसनू ओरल वाला काम ज्यादा दे दो, उदा एग्जाम ओरल च लै लो, आमिर खान साहब करते भी ने। सो ये एडजस्ट हो गया, इसनों कहते एडजस्ट होना। एक अच्छा टीचर कर भी लेता है, विजुअली इंपेयर्ड जो बच्चे दे एनक लगी हुई उसनों पिछों अगे बिठा दिता जाता है। ठीक है, एक करिकुलम एडजस्टमेंट ही हैं। ठीक, कुछ बच्चे है कि जिन्होंने जेडे विजुअली इंपेयर्ड ही ने, निगाह बहुत ज्यादा जिन्हों की घट है, उन्होंने असिस्टिव डिवाइसिज है, ऑडियो बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, उन्हों का फिजिकल एनवायरमेंट उत्थे बैठने लिए खास इंतजाम कर देना कि बेटा तुसी इत्थे बैठ सकते हो, तुसी ऐ वाले च बैठ सकते हो जेडे नॉर्मल ने। सो वाले बच्चों लिए तुसी जो भी चेंज करते हो, बेशक वो चेंज तुसी कंटेंट विच करते हो, बेटा तुसी ए वाला पोर्शन रहन दो, तुहाडे ए वाला पोर्शन तुसी करना है, ए वाला पोर्शन नहीं करना। ठीक है, तुसी उहदी एवैल्यूएशन विच करदे हो, तुसी उहदे फिजिकल एनवायरमेंट विच करदे हो, जिन्नियां भी एडजस्टमेंट हन जरूरी हन। ये तो इनक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है ना, इनक्लूसिव एजुकेशन, बच्चे तां ही शामिल होणगे, अदरवाइज बच्चे अपना फील नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कि इतों तक भी होंगे है, जो फिजिकली डिसेबल्ड जां मेंटली रिटार्डड, फिल्म विच सीन भी है कि उन्होंने एक फंक्शन करवाया जाता है, उन्होंने भी फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन आती है कि वह भी डांस कर सकते हैं, वह भी स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक गल याद रखनी, करिकुलम नू सिलेबस मत समझ लेना, हमेशा स्कूलों का सिलेबस सेम होता है, करिकुलम किसी भी स्कूल का सेम नहीं होता। एक गल वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी लैवल का क्वेश्चन बनता है कि करिकुलम हर स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, क्यों, क्योंकि हर टीचर बच्चों की नीड मुताबक, अपने एबिलिटी मुताबक, अपने एनवायरमेंट मुताबक, अपनी ऑडियो विजुअल एड ह्यूमन रिसोर्स के मुताबक उन्हें वक्रे तरीके पढ़ाता है। कंटेंट कोई ज्यादा करवाता है, कोई घट करवाता है, कोई स्किप कर देता है, कोई तेजी ना करवाता है, कोई मैथड वक्रे ना करवाता है। दिस इज करिकुलम एंड एज वेल एज करिकुलम ट्रांजेक्शन। सो करिकुलम डिफरेंट होता है, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम होता है। सिलेबस का संबंध थ्योरी क्वेश्चन आंसर नाल है। ठीक, करिकुलम इज वाइडर टर्म, वेरी वाइडर टर्म। ए चाइल्ड हैज मेंटल एज 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आईक्यू की है, आईक्यू का फॉर्मूला है इतने पिया होगा, आईक्यू का फॉर्मूला है साढ़े को पिया, ओके इसको वड्डा कर लें। ठीक, एम ए ओवर सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, ए दो तीन क्वेश्चन ये रिलेटेड जेडे अक्सर आते हैं। कदों फार्मूला दिता गया, 1912 में किसने दिता, विलियम स्टर्न ने, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अच्छा एक केड़ी टर्म ही है, आई क्यू टर्म, जर्मन टर्म इंटेलिजिया क्वेश्चन। ठीक है, इसको वड्डा करके देखना, तुम देख सकते हो, लो
ए वाली जर्मन की टर्म है, ठीक है। बाकी वापस चलते हाँ, विलियम स्टर्न, स्टर्न ने, अच्छा हम साड़ा बच्चा जड़ा है कितने है, 5 ईयर है एज, सी ए इतने लिख लेने, चलो 5 साल, ठीक है। ये है 4 साल गुना 100, ये हो गया 500 4, ठीक है, देखो 125 आ गया वन, सिंपल। आगे चले, ओके 125 सिंपल देख लो ना, जे जल्दी तुक्का भी लाना आ दो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि उत्ते वड्डी रकम है 5। होर तरीका दस दिया तुहानू, उपर है वड्डी रकम 5, ठीक है, नीचे है 4, इधर 100 है ना, इहदा मतलब है कि इहनू इहदे नाल करके जे डिवाइड कर लो इन्ने क बाद वड्डा होएगा। जल्दी जल्दी आंसर लाना है ना, दोनों चो आएगा जे कैलकुलेट कर लो, तां जे इहदी रिविजन कर लो तां तुसीं 125 ते सीधा पहुंच जाओगे। नेक्स्ट चलते हाँ, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल, नॉट भी है, ठीक है, नॉट, फॉर्मेटिव असैसमेंट, फॉर्मेटिव असैसमेंट जो ही आता है मेरे दिमाग में की आता है कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग टीचिंग जो चल रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस जो चल रही है, तीन फेजेस ने ना टीचिंग दे, एक बिफोर, एक ड्यूरिंग, एक आफ्टर, ठीक है। इतने बिफोर च प्लानिंग होंगी है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसैस होंगी है, एक आफ्टर होंगी है। इवैल्यूएशन तिने फेज से हो सकती है, बिफोर च भी होंगी है, डायग्नोस्टिक बिफोर च होंगी है, ड्यूरिंग च फॉर्मेटिव होंगी है, आफ्टर सबमिटिव होंगी है, ठीक है। आफ्टर विच थोड़ा टाइम स्पैन थोड़ा लंबा जिहड़ा है उसनू गिणिया जाता है, सबमिटिव विच ईवन 2 हफ्ते 4 हफ्ते विच भी जिहड़ी टेस्टिंग होंगी है, यूनिट टेस्ट भी होंगे, वह भी सबमिटिव विच शामिल कर ले जाते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है कि जे तुहाडा परपज जो है, परपज की है, परपज जे सर्टिफाई करना है तो वह सबमिटिव होएगी इवैल्यूएशन। जेकर तुसी बच्चे दी लर्निंग नू इंप्रूव करना चाहते हो, उसनू असैस करके फिर दोबारा मौका देना चाहते हो, उसदियां एरर एनालिसिस करके उसनू फिर नवा चांस दे रहे हो, उसनू नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट जेड़ा मिलता है कि हाँ मेरे को चांस है, मेरे मार्क्स से फाइनल नहीं हो गए, मेरी इवैल्यूएशन फाइनल नहीं हो गई, तो फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव की एक और बहुत जरूरी गल है, फॉर्मेटिव असैसमेंट वधेरे क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिंदी है, क्वालिटेटिव होंदी है, क्वांटिटेटिव नहीं, सबमिटिव ज्यादा क्वांटिटेटिव है। कम से कम 15 क्वेश्चन डिस्कस हो गया जो मैं दस्या है, जे तुसी अपनी कॉपी ते नोट कर लो, जिनी इनफॉरमेशन तुहानू इत्थे मिलदी है एक कॉपी ते ब्रीफ ब्रीफ नोट करी जो, क्योंकि मैं सिर्फ ओह इनफॉरमेशन तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा जिसते एमसीक्यू बनता है, जिसते एससी टाइप क्वेश्चन बन रहे हो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। ओके, क्वेश्चन की सी, फॉर्मेटिव नॉट टूल ऑफ, इहदे लई तुहानू एक एक मिनट, जेडे टूल्स हैं शायद इतने, हाँ यस अरेंज है, इन्हें नोट कर लो, तुम ये नोट कर लो कि इन्होंने क्वेश्चन सीधा जिसने भी पाया है चक के पाया है, सबमिटिव असैसमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक, बाकी नहीं आ रहे, ये तुम देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ फॉर्मेटिव असैसमेंट, प्रोजेक्ट है सिर्फ, प्रोजेक्ट है सिर्फ सबमिटिव असैसमेंट, फॉर्मेटिवली प्रोजेक्ट नहीं, मोस्ट ऑफ द जिहड़े एजुकेशनिस्ट ने वो प्रोजेक्ट नू सबमिटिव विच ही रख रहे हैं, ठीक, इसलिए तुसी सीधा आंसर तुहाडा बन रहा है, कित्थे गए आपां वापस जाना है, हाँ कित्थे 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 है ये, हाँ कंजर्वेशन कन्वर्सेशनल स्किल, ठीक है, बच्चे ना गलबात करनी है, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, छोटे छोटे टेस्ट रखते हैं बच्चे देख देख अचीव कर लिया नहीं अचीव कर लिया, ओरल क्वेश्चन है तुसी पूछते हो, ठीक, ये फॉर्मेटिव चाहिए है, देखो इन्हां दी की करैक्टरिस्टिक्स हैं,
कि इन्हां नाल इंप्रूवमेंट दे चांस मिल रहे हैं कि इन्हां नाल मोस्टली क्वालिटेटिव इवन एमसीक्यू क्वेश्चन नो भी क्वालिटेटिवली डिस्कस किया जा सकता है। मैं तो नाल क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं मार्क्स नहीं दे रहा, राइट आंसर सिर्फ नहीं दे रहा, मैं रोंग आंसर ते उन्हां दे विचले कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूं। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ते मान लो एक बच्चे ने आ जवाब दिता है, मैं पूछता हाँ बेटा ये क्यों जवाब दिता है? प्याजे ने जो अपनी लैब विच कीता सी, जिहड़ी पहली बिने लैब सी, बच्चा कहिंदा है क्योंकि मैं इस तरह अपनी थिंकिंग व्यक्त करता है। उसको पता लगता है कि बच्चे का मिसकनसैप्शन है, रोंग कंसैप्ट है, रोंग नॉलेज है। इहदा मतलब है रोंग नॉलेज उस फर्दर क्वेश्चनिंग ने मिल जाती है, रोंग क्वेश्चन मिल सॉरी कंसैप्ट मिलन नाल नॉलेज मिलन नाल टीचर नूं जिहड़ा टीचर है फिर उस रोंग नॉलेज नूं ठीक करन लई प्लानिंग करता है, एक्शन लैंदा है, फिर वह मिसकनसैप्शन कंसैप्शन बनदियां हन। सो क्वालिटेटिव फॉर्मेटिव ज्यादा होंगी है, ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक ज्यादा होंगी है। इफ फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज एक्सेप्शनली ब्राइट, अब इसको किस किस को अंडरलाइन करेंगे, एक्सेप्शनली ब्राइट, जब भी ये बात आता है एक्सेप्शनली मीन बहुत ज्यादा है, तो ये गिफ्टेड इनको मार्क लगा दिया। यू विल टीच देम अलोंग विद द क्लास, ठीक। अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सभी बच्चों को साथ में लेना, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो जो नेगेटिवली डिविएटेड चिल्ड्रन है, लर्नर है, डिसेबल्ड है, डिसलेक्सिक है, जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पाल्सी कोई भी है, तो उनको शामिल करने की प्रॉब्लम ज्यादा उन पर फोकस करता है, ठीक है। ये नहीं है कि इनको नहीं शामिल करना, गिफ्टेड को भी शामिल बीच में ही रखना है, लेकिन गिफ्टेड को जब नॉर्मल क्लास में ही रखोगे तो वो उनके गोल जो हायर है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अच्छा ये देखिए कि एक सेवंथ एट्थ क्लास है, ठीक है, मान लीजिए एट्थ क्लास है और ये हो गई टेंथ, नाइन्थ और ये होगी टेंथ, ठीक। अब इस क्लास का बच्चा है तो इसको अब एट्थ क्लास में ये जो बच्चे हैं, मान लीजिए ये एक नीले वाला हो गया नॉर्मल और रेड वाला हो गया जो है एक्सेप्शनली ब्राइट है, तो अब जब ये करिकुलम इतना कंटेंट करवाया तो इस बच्चे ने क्या किया कि इतना सारा कंटेंट इन्होंने किया 30 मिनट में और इसने कर लिया 10 मिनट में, तो अब ये 20 मिनट क्या करे, ठीक, ये प्रॉब्लम है ना। तो नॉर्मली वो इस 20 मिनट में इतना बोर हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा कि उसका क्लास में से, टीचिंग लर्निंग में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई उसको, इस बच्चे को समथिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए उसको और ऊपर ले जाने के लिए, जितनी उसकी एबिलिटी हाई है उसका गोल भी उतना ऊपर का होगा। इनका नॉर्मल गोल होगा, इनका हायर गोल होगा, और एक तो गोल ऊपर होगा और उसकी एक्टिविटीज एक नहीं ज्यादा एक्टिविटीज जिसमें वो जीनियस है, जहां अच्छा चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो जो ये इसको और ऊपर जाने के लिए एक्स्ट्रा एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया जाता है उसको बोलते हैं एनरिच्ड प्रोग्राम। एनरिच्ड प्रोग्राम, एनरिच्ड प्रोग्राम कई तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये जो 20 मिनट मिलते हैं उसमें उसको एक्स्ट्रा कंटेंट दे सकते हो, ठीक है, अच्छा उसको हायर डिफिकल्टी लेवल वाले जो है हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है, उनको दूसरे बच्चों को टीच करने के लिए कह सकते हो एनरिच प्रोग्राम में, अच्छा उनको लीडरशिप रोल दे सकते हो, अच्छा उनको उनके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज है उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हो। इससे वो वायलेशन तो नहीं हुई ना पहले उसकी के अलोंग विद क्लास, अलोंग विद क्लास में बस वही रखना है, एनरिच्ड प्रोग्राम में उनको बाकियों के साथ भी रखा जा रहा है लेकिन एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया जा रहा है, ठीक। एक्स्ट्रा और क्या क्या दिया जा सकता है,
ये देखते हैं, मैंने ये निकाल के रखा है, थोड़ा इसको बड़ा कर ले, हो गया। हाँ, ये तो पहले देख ले कि एक्सेप्शनली गिफ्टेड बच्चे होते कैसे हैं। एक तो बड़ी जल्दी ग्रास्प करते हैं, बड़ी तेजी से, रीजनिंग पावर बड़ी अच्छी होती है उनकी, ठीक है, जनरलाइजेशन, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग हाई होती है, क्लास में बड़े हायर हॉट क्वेश्चन पूछते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स पर पूरा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसके फोर ऊपर वाले पार्ट जो है हॉट्स में आते हैं। ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अच्छा, हायर स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम, हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, हायर स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज होती है, उनकी इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग ज्यादा होती है, ठीक है, बाकी बच्चों के मुकाबले। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, प्याजे की फोर्थ स्टेज, वो जल्दी पहुंच जाते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम वैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अचीवमेंट टेस्ट में हायर स्कोर उनका होता है, ठीक। तो इनका एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या हो सकता है ये, क्योंकि इसमें से और कई क्वेश्चन बन सकते हैं। उनका एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव मीन कि उनका कंटेंट, उनके मान लो टॉपिक बढ़ा दिए, एक टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड दो तीन और टॉपिक हैं, वो उनको दे दिए, आपने ये भी स्टडी करना है, ये भी एक्सटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव के लिए हम ऐसे लंबी लाइन लगाएंगे, एक्सटेंसिव को समझने के लिए ये रहा एक्सटेंसिव, नॉर्मल क्लास को इतना पढ़ा रहे हैं, उनको ये एक्स्ट्रा भी टॉपिक दे दिए, ये भी दे दिए। इंटेंसिव मीन जो भी टॉपिक करना है वो और इनडेप्थ में पढ़ो, ठीक। आपके तो क्वेश्चन सरफेस लेवल के आते हैं, पेपर सेटर भी सरफेस लेवल का, और आप ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी सरफेस लेवल की, और सिलेक्शन भी सरफेस लेवल की, डीप थिंकिंग के क्वेश्चन है, टीईटी या इवन नेट में भी बहुत नहीं आते, तो उनको ये डीप स्टडी करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई ना, वो साथ चल रहे हैं, एक्स्ट्रा काम मिल रहा है उनको, ठीक। अच्छा, सप्लीमेंट्री बुक्स उनको दिया जा सकती हैं, रेफरेंस बुक्स लाइब्रेरी में से, जनरल लिटरेचर रीड करने के लिए लाइब्रेरी में कहा जा सकता है। दे शुड अलाउ टू इंडिपेंडेंट स्टडी लाइब्रेरी में, कहे जो पीरियड एक्स्ट्रा बचते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए, फॉर टीचिंग डिफरेंट हेरिस्टिक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो टीचिंग मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट है, डिस्कशन मेथड है, उनमें उनको लीडिंग रोल मिल सकता है, ठीक। दे शुड टोल ओके गिफ्टेड एनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कोकरिकुलर एक्टिविटीज, ठीक। ऑर्गेनाइज सेमिनार, एग्जीबिशन, ये सारा कुछ वो कर सकते हैं। तो ये मतलब एनरिच्ड प्रोग्राम मीन उनको कंटेंट भी ज्यादा दे रहे हो, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज्यादा करवा रहे हो, और उनका क्लासरूम में भी अगर टाइम बच रहा है तो उस टाइम के लिए आपका लेसन प्लान होना चाहिए कि ये जो बच्चे, तीन बच्चे हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इनको मैंने ये सम एक्स्ट्रा फिर दे देने हैं, जहां उनको काम असाइन कर देना है, जैसे पीछे डिस्कस करते आए हैं। तो दैट इज वाई सीधा इसका आंसर है, बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम, ये टर्म ही गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ चल रही है। एक ऑप्शन सी अलोंग विद हायर क्लासेस, ठीक है। तो फिर शिफ्ट है, एनरिच्ड प्रोग्राम इज वेरी प्लान्ड प्रोग्राम, उनकी और इंक्लूसिव एजुकेशन की वायलेशन नहीं होती, ठीक। ओनली व्हेन दे वांट, नहीं, उनकी मर्जी नहीं चल रही, क्योंकि गोल सेट जो है उनके अकॉर्डिंगली, जो ये बैकबोन होते हैं, कहते हैं ये गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, इन्होंने लीड करना होता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होता है, चेंज लाने होते हैं, सोशल चेंज के लिए काम कर सकते हैं, दैट इज वाई इनको भी ऊपर ज्यादा लेके जाना है। द मेजर पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, अंडरलाइन करूंगा डायग्नोस्टिक टेस्ट को, क्यों, क्योंकि डायग्नोस्टिक तो क्लियर है, ठीक, बिफोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट है, टेस्ट डायग्नोस्टिक बड़ी मुश्किल से बनता है, पता नहीं कैसे लिख देते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, ओके। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होती है, अगर आप एक कोई टेस्ट लगा रहे हो तो उसको डायग्नोस्टिक कह रहे हो तो भी ये नैरो होगा। दूसरी बात है मेजर पर्पस, पर्पस नहीं पूछा गया, मेजर पर्पस है, पहले पर्पस देख लें, द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस, देखो वीकनेस आइडेंटिफाई करनी होती है डायग्नोस में, ये पक्की बात है, ठीक है, ये भी पर्पस है।
स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिमीडियल, रिमीडियल जब भी मिले तो अटैक कर देना, रिमीडियल नेचर पर्पज में आता है, लेकिन असेसमेंट की यहां टेस्ट लिखा है ठीक। द कॉजेज, कॉज यहां मेजर है, कॉजेज अंडरलाइंग एंडमेटिव, जब तक आप क्योंकि कॉज नहीं फाइंड आउट कर लेते तब तक आप रिमीडियल नहीं कर पाओगे ठीक। स्पेसिफिक नेचर ऑफ पीपल्स डिफिकल्टी, ये चारों जो पर्पज दिखाई दे रहे हैं। अब इसको कहते हैं बेस्ट आंसर क्वेश्चन, सारे आंसर राइट हैं, बेस्ट आंसर क्वेश्चन, तो क्योंकि उन्होंने मेजर टर्म लिख रखी है आपको ढूंढना पड़ेगा, ये गुड क्वेश्चन में मैं रख रहा हूं इसको ठीक। तो जनरल एरिया सबसे पहले डिलीट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, सबसे पहले डिलीट करेंगे क्योंकि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगा है और ये लगा है। जनरल एरिया जब आप वीकनेस का फाइंड आउट करते हो, फॉर एग्जांपल मैथ की क्लास है, आप ये देखना चाहते हो कि कुछ बच्चों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्किल जो है, जहां अर्थमेटिक बाकी स्किल्स भी आप देखना चाहते हो ठीक है, तो वो बच्चे किस में वीक हैं। जनरल आप देख रहे हो कि ये मल्टीप्लिकेशन में कितने वीक हैं, तो जनरल अगर निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल जो है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्योंकि बेसिक अजम्पशन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो वायलेट होता है, दैट इज बाई स्पेसिफिक भी चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक है एक जनरल है। स्पेसिफिक का मतलब है ये किस बच्चे, कौन सा बच्चा इसमें वीक है, कौन सा इसमें वीक है, कौन सा इसमें वीक है, कौन सा इसमें वीक है, और सारे किसी एरिया में वीक है वो कॉमन हो गया ठीक है। तो ये निकालने तो होते हैं, लेकिन निकालने करेंगे क्या, जब आपको पता चल गया कि मेरे जो तीन बच्चे हैं मल्टीप्लिकेशन में वीक हैं और ये जो है डिवीजन में जो है चार बच्चे वीक हैं, नेचुरली आप क्या करोगे कि इनके लिए एक एक्स्ट्रा तीन चार दिन क्लास लगाओगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन के सम ही करवाए जाएंगे, जो वो जो एक्स्ट्रा क्लास आप लगा रहे हो इन बच्चों के लिए अलग अलग ले जाके ठीक है। इसमें उन बच्चों को शामिल कर सकते हो जो मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हैं, पीयर टीचिंग भी कर, ये आपकी प्रोग्राम आप कैसे बनाते हो, लेसन प्लान कैसे करते हो डिफरेंट है। जो बच्चे मल्टीप्लिकेशन में वीक थे उनको एक्स्ट्रा कोचिंग दी गई, जहां इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया, एक्स्ट्रा सपोर्ट दी गई ताकि वो बाकी क्लास के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा कोचिंग दी जा रही है ये एक तरह की रिमीडियल टीचिंग हो गई, लेकिन रिमीडियल टीचिंग मेजर है, यहां कॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉज अगर बता दिया है, जब तक आपको ये नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन के रॉन्ग होने के बच्चे कैलकुलेशन लेट या गलत, मल्टीप्लिकेशन के क्या फैक्टर हैं, स्पीड बहुत, टाइम फैक्टर आ गया ठीक है, दूसरा एक्यूरेसी फैक्टर आ गया, एक्यूरेसी ये दो ही है। मान लो ये तीन बच्चे वीक है, हो सकता है कि अगर ये बच्चे वीक हैं, अगर इनका कॉज पता लग जाए, आप कॉज पर अटैक करोगे तो नेक्स्ट इनके लिए रिमीडियल लगानी कम हो जाएंगी ठीक है। आप एग्जांपल लो कि जैसे ईशान है, तारे जमीन पर है, अगर किसी को ये पता ही नहीं चल रहा कि उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिक है, वो रीडिंग डिसेबिलिटी है, उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, उसकी सेंसेस ठीक काम कर रही है, उसका दिमाग, मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल ज्यादा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं हो पाती न्यूरोलॉजिकल उसके कारण। अच्छा ये इसकी मेडिकल भी कोई वो नहीं है। जब ये पता चल गया, मान लीजिए कि ये एक बच्चा, दो बच्चे इनमें से इसके कारण और एक बच्चा किसी और कारण, दैट इज वाई कैलकुलेशन उनकी वीक हो रही है, दैट इज वाई उनकी रीडिंग वीक हो रही है, तो आप नेचुरली है कि उनका ट्रीटमेंट करवाओगे। अगर मेडिकल है तो मेडिकल कराओगे, अगर एजुकेशनल ट्रीटमेंट है तो वो करवाओगे नेचुरली। उसके लिए क्या है कि आप प्रोग्राम चेंज कर देते हो। दैट इज वाई कि कॉजेज को जानना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी बन गया है। नो डाउट रिमीडियल टीचिंग पर अटैक करना बनता है, लेकिन जिसने भी क्वेश्चन डाला है उसके लिए शाबाश। कॉजेज मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूं, मैं समझता हूं कि कॉजेज जब पता चल गया, बीमारी का कारण पता चल गया, तो अब बीमारी को दूर कर सकते हो। दैट इज वाई ये मेजर ज्यादा है। अब इसको रैंक करेंगे, ये बहुत एक फार्मूला है। अब ये सारे ठीक है,
एक एक्सरसाइज ये है, मैंने इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं करवाई कि आप बड़ी तेजी में हो सारे, अदरवाइज मैं करवाता कि हर क्वेश्चन की जो है रैंक करवाता, इसके रैंक अगर करने हैं तो रैंक वन पर ये आता है। अब क्वेश्चन एक ही है, एक रैंक पर आया आप आगे चले गए, लेकिन आपकी मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग अब डेवलप हो रही है। आप अगर रैंक की एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले रैंक पर ये वाला आया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, उड़ा लेते, बड़ा कर लेते हैं, ये 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 रहा, ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पर कौन सा रखा है, आज अभी कॉज, कॉज फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक पर रिमीडियल टीचिंग मैंने रखा है, थर्ड पर मैं स्पेसिफिक को रखता हूं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रिंसिपल पर फोकस है, फोर्थ पर मैं इस नेचर को रखता हूं, ठीक है। तो ये नहीं है, अगर आपको ये समझाया जाता है कि जब डायग्नोस्टिक आ गया तो रिमीडियल पर अटैक कर देना, नहीं, कोई एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, यही क्वेश्चन आपको फेल और पास में इधर उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो नंबर तो एक ही मिलना है, इतना डिफिकल्ट हो या इतना डिफिकल्ट, ये एमसीक्यू की एक एरर है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, छोटा कर ले इसको थोड़ा, देखा ये भी एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एडजस्ट करनी है, करिकुलम अडेप्टेशन करनी है। क्या है स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ टैलेंटेड पॉजिटिवली जो बच्चे हैं गिफ्टेड, ईशान का ब्रदर था जैसे, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ डिसेबल्ड भी ये मेजर टर्म है, ठीक। ट्रेनिंग ऑफ टीचर का क्या काम आ गया स्पेशल एजुकेशन में, ये तो बात ही नहीं बनी, दिस इज पुअर डिस्ट्रक्टर, इसको पहले निकाल दो। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डर्ड, ये सिर्फ रिटार्डर्ड मीन मेंटली रिटार्डर या और कोई रिटार्डर, बाकी कैटेगरी डिलीट कर दी, ये दोनों तो वैसे ही डिलीट हो गए। अब ये बचे एजुकेशनल पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिवली डिविएटेड बच्चों के नेगेटिव के लिए, देखो ये तो फिर भी हो जाते हैं, इनमें फीलिंग्स जो इन्फीरियर आ जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारा डिसेबल्ड पर, ये फर्स्ट रैंक है, ठीक है, ये राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट है इन सीसीई, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन फॉर्मेटिव एंड सस्टेनेटिव असेसमेंट, टोटल वो टच हो गया, 50-50 पक्का नहीं है, 60-40 में है। देखो मैंने मेरी बहुत देर की पढ़ी है, कैसे अंदाजा लगाता हूँ, फॉर्मेटिव को कम देंगे मेरे ख्याल में, ये होगा राइट आंसर, फॉर्मेटिव को कम देंगे और 60 फाइनल वाले उसको देंगे। अब ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, ये 50-50 नहीं है इतना पता था, तो इससे मैंने ये डिलीट कर दिया, नन ऑफ दीज वैसे डिलीट हो गया, और ये दोनों बचे। इन दोनों में से मैंने देखा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो सबमेटिव को ज्यादा असेसमेंट देता है, इसके हिसाब से मैंने ये टिक लगा दिया। ऐसे कम नॉलेज से भी आप रीजनिंग से राइट क्वेश्चन पर जा सकते हो, ठीक। फ्रॉबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एजुकेशन हिज डेवलपमेंट ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉबल ने कहा था कि स्कूल एक गार्डन है और बच्चे उसमें फूल हैं और टीचर उसमें एक माली है, ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं। तो वो टर्म गार्डन के लिए उस देश की थी, किंडर गार्टन। केजी शब्द कहां से आया, सारे वर्ल्ड में केजी केजी चल रहा है, केजी शब्द किंडर गार्टन फ्रॉबल की देन है, इसमें है किंडर गार्टन ये, ठीक है। पब्लिक स्कूल, लेटिन स्कूल, वेरी मीनिंगलेस, सीधा किंडर गार्टन, ठीक। ओके, विच आर्टिकल एंजॉयज दैट ऑल मिनोरिटीज, मिनोरिटीज से ये आपको एक लिस्ट दूंगा जिससे आप आर्टिकल सारे याद कर लोगे, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, एसोसिएशन बना दूंगा। ऑल मिनोरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन चॉइसेस। ये हमारे पास ये रहे ये आर्टिकल, ये देखते हैं 30th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनोरिटी का है, 30 मिनोरिटी पर आ गए, 30A says all minority whether based on religion or language shall have right to establish and administer educational of their own choice, ये यहां से उठाया गया 31 का A और 2 next दो पार्ट है, तो ये जो पार्ट बन रहा है हमारा सीधा लैंग्वेज मैच कर रही है,
तो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, इफ चाइल्ड राइट दिस मिरर इमेज, वो तारे जमीन पर कहते हैं ना, 16 को उल्टा लिख दिया, दैट्स कंफ्यूज बिटवीन डी एंड बी, सीधा तारे जमीन पर से ही उठाया गया है. तो तारे जमीन पर का बेस क्या था, विजुअल इम्पेयरमेंट के उसको दिखाई नहीं देता, नहीं उसको दिखाई देता है ईशान को. लर्निंग डिसेबिलिटी पर है बनी है फिल्म, ठीक है. मेंटली रिटार्डेड है वो, मेंटली रिटार्डेड कौन सा बच्चा होता है जिनका आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट बिलो एवरेज से भी कम होता है, ठीक है. तो मेंटल इम्पेयरमेंट, इसमें कंफ्यूजन जो टर्म है इम्पेयरमेंट रिटार्डेशन डिसेबिलिटी, इसमें डिफरेंट वीडियो एक जहाँ नेक्स्ट वीडियो में इनमें डिफरेंस आपको बताऊंगा. तो सीधा लर्निंग डिसेबिलिटी है. लर्निंग डिसेबिलिटीज में चार जो मेजर आती हैं, रीडिंग डिसलेक्सिया, कैलकुलिया कैलकुलेशन से, और डिसफ्रेजिया डिसग्राफिया राइटिंग से, डिसफ्रेजिया स्पीच से, ठीक.